आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनफ्लोरेसेंस। उसमें रेसिमोस, साइमोस देखेंगे और फ्लावर की सिमेट्री भी डिस्कस करेंगे। सिमेट्री के सारे एग्जांपल्स याद करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया, बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे रेसिमोस की। रेसिमोस कुछ इस तरीके का होता है। रेसिमोस में फ्लावर एक के बाद एक निकलते जाते हैं और अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट जाते हैं, एक्रोपिटल मैनर में जाते हैं। इसलिए आप याद कीजिए राय, रेसिमोस, एक्रोपिटल, इनफाइनाइट, कुछ इस तरीके से याद रखिए राय। जब भी पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा कि बैसिपिटल किस में होगा, तो आप बोलोगे साइमोज में। लेकिन अगर एक्रोपिटल पूछा जाए तो रेसिमोज में, इनफाइनाइट रेसिमोज में। तो कुछ इस तरीके से आप याद रखोगे। साइमोज की बात करें तो साइमोज का फ्लावर कुछ इस तरीके से होता है। साइमोज में पहला फ्लावर सबसे ऊपर लग जाता है, उसके बाद नीचे लगते हुए, जैसे फर्स्ट फ्लावर ये ऊपर गया लग गया, उसके बाद नीचे लगते हुए जाएं, तो ओल्ड फ्लावर तो ऊपर होगा ना, यंग फ्लावर नीचे लगते हुए जाएंगे। तो ऊपर तो ये नहीं जा सकता कि बहुत ऊंचाई तक, मतलब ये फ्लावर निकलते हुए लंबे तक जाएं, क्योंकि सबसे पहले मेन एक्सिस पे ही फ्लावर लग जाता है, तो ये और ऊपर लगने की संभावना इसमें नहीं होती। इसीलिए इसे कहते हैं साइमोज। ये बैसिपिटल होता है, बेस की तरफ भागते हैं और ये डिफाइन होते हैं, क्योंकि ये आगे चल के फर्स्ट फ्लावर इनका ऊपर लग गया तो ये उसके ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि वो नीचे ही रहेगा। ये डिफाइन होता है कि इससे ऊंचाई पे नहीं जा पाएगा, इसीलिए इसे हम CBD पढ़ते हैं, साइमोज बैसिपिटल और डिफाइन। जबकि रेसिमोज क्या था? एक्रोपिटल, इनफाइनाइट। अब बात करेंगे इनकी सिमेट्री की। अगर फ्लावर किसी भी पोजीशन से डिवाइड हो रहा है इक्वल पार्ट में तो सिमेट्रिकल बोलेंगे, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो एसिमेट्रिकल कहेंगे। देखो सिमेट्रिकल भी टू टाइप का होता है। एक तो फ्लावर किसी एक ही पोजीशन से, एक ही जगह से अपने एक्सिस पोजीशन से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो कुछ इस तरीके से, तो उसे हम बोलेंगे रेडियल बाइलेटरल सिमेट्री, या फिर उसी को जायगोमार्फिक बोलेंगे। जायगोमार्फिक को ही बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। और अगर उसके सेंट्रल एक्सिस से आप कहीं से भी कट करो, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है कुछ इस तरीके से, बोलेंगे एक्टिनोमार्फिक। क्या बोलेंगे? एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक को ही रेडियल सिमेट्री कहते हैं। एक्टिनोमार्फिक को ही रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अब बात करेंगे एसिमेट्रिकल की। अगर कोई फ्लावर है वो कहीं से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो तो उसे हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल। एक एक का एग्जाम्पल याद कर लें। एक्टिनोमार्फिक का एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, धतूरा, चिली। मस्टर्ड, धतूरा, चिली, इसे याद रखिए। इसका ट्रिक्स है आज मैं दूंगा चिली, आज मैं दूंगा चिली। और आप याद करो जायगोमार्फिक का, तो जायगोमार्फिक में याद करोगे पी गुलमोहर बिन केजिया, पी गुलमोहर बिन केजिया। जैसे आप गाना सुनते हो, धुन सुनते ही याद आ जाता है ना, इसे भी दो बार अपने धुन में आप बोलिए पी गुलमोहर बिन केजिया, पी गुलमोहर बिन केजिया, परमानेंट याद हो जाएगा। अब बात करेंगे एसिमेट्रिकल की। तो एसिमेट्रिकल का एक ही एग्जाम्पल है कैना। क्या होता है? कैना, यानी कि कैना को आप कान्हा पढ़िए, और कान्हा, कान्हा हम भगवान को मानते हैं, तो क्या भगवान कहीं से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं, हम ईश्वर को डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए आप जब भी एग्जाम्पल कैना मिले तो आप लगाओगे एसिमेट्रिकल। कैना को हमेशा कान्हा पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। तो सो गाइज, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरीके से बायोलॉजी में कुछ टॉपिक के, कुछ नहीं मैक्सिमम टॉपिक के हम ट्रिक्स आपको बताते रहेंगे कैसे याद करना है, और जो मेन मेन टॉपिक है उसका वीडियो हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।